10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सजा। आपको मैं बता दूं कि एक एडवाइजरी जारी की गई है जहां पर उन्होंने साफ तौर पे यह बताया है कि अगर आप लोग जो हैं वो रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपकी वजह से एम्बुलेंस का रास्ता रुकता है, यानी कि अगर जाम की स्थिति आप उत्पन्न करते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, तो अब आप लोगों को 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सजा, और सजा जो है वो आपकी बढ़ भी सकती है, यानी कि आप लोगों को जो है वो जेल हो सकती है अगर आप लोगों ने रास्ते में चलती हुई एम्बुलेंस का अपनी गाड़ी से रास्ता रोका। एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, बहुत ही अच्छी ये खबर है, खबर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग भी जानते हैं कि अगर किसी की जिंदगी आप लोगों की वजह से बच सकती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं होगा। आमतौर पे देखा जाता है कि हर कोई जो है अभी बीमार होता है, एम्बुलेंस का सहारा लेता है, एक हॉस्पिटल से अगर दूसरे हॉस्पिटल में जाना है तो उसकी हालत को देखते हुए अगर डॉक्टर रेफर करते हैं तो एम्बुलेंस में जाते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि एम्बुलेंस भी जो है वो जामों में फंस जाती है और उसमें जो मरीज होता है वो बेचारा कहीं ना कहीं अपना दम जो है वो तोड़ देता है अगर समय पर वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंचता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक खबर जो है वो कश्मीर हवाले से आ रही है, जहां पर कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर अगर आप लोगों की वजह से एम्बुलेंस जाम में फंसती है, अगर आप लोग जो है वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं तो आप लोगों को 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने से ज्यादा की सजा हो सकती है। उसमें देखा जाएगा कि आपकी वजह से उस मरीज को कितना नुकसान हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि खास तौर पे आमतौर पे आप लोग भी देखते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो जाम में फंस जाती है, उसे जो है वो रास्ता नहीं दिया जाता और सबसे बड़ा पुण्य का काम जो वो होता है अगर आपकी वजह से किसी की जान बच सकती है। पेशेंट बेचारा जो है वो अपनी जिंदगी और मौत से जो जंग लड़ रहा होता है और समय पर अगर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचता तो उसकी जो है वो मौत भी हो जाती है। अब एक इनिशिएटिव जो है वो ट्रैफिक एडवाइजरी श्रीनगर से ली गई है, उन्होंने कहा है कि अगर अब आप लोगों के द्वारा अगर एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो आप लोगों को 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा आप लोगों को हो सकती है। उसमें अब जब वो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस निकलेगी तो वहाँ पर जो है वो संपर्क करना होगा ट्रैफिक एडवाइजरी से, उन्हें बताना होगा कि हमारी एम्बुलेंस जो है वो अब इस हॉस्पिटल से निकल गई है, इस हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पर जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम होगा वहाँ पे उन्होंने जो है वो वहाँ पे संपर्क करना होगा जो चालक होगा एम्बुलेंस का, वहाँ पर उन्होंने बताना होगा कि हम इस जगह पर पहुँच गए हैं। समय समय पर जो है वो अपडेट देनी होगी कि यहाँ पर अगर जाम लगा है तो वहाँ पर जाम की स्थिति ना रहे और जाम जो है वो हटा दें ताकि पेशेंट की जान जो है वो बचाई जा सके। तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही अच्छा जो इनिशिएटिव जो है वो ली गई है, ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है श्रीनगर के हवाले से। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पे अगर कोई एम्बुलेंस का रास्ता रोकता है तो उसको जो है वो 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सज़ा जो है वो उसका प्रावधान है और सज़ा जो है वो आपकी बढ़ भी सकती है। उसमें देखा जाएगा कि क्या आपने वाकई उनका रास्ता जो है वो रोका है और कितना पेशेंट को जो है वो आपकी वजह से नुकसान हुआ है। तो आप लोग भी जानते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य का काम जो होता है अगर किसी की जान बच जाए, और अगर आप लोगों को भी लगता है कि कोई एम्बुलेंस आ रही है वहाँ पे हुटर बजाया जा रहा है तो आप लोग जो है वो आपका भी फर्ज बनता है कि सबसे पहले जो है वो एम्बुलेंस को रास्ता दे ताकि उसमें जो मरीज है उसकी जान जो है वो बच सके। तो आप इस खबर को जो है वो किस तरह से देखते हैं, इस खबर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि किसी की जान जो है वो बच जाए, आपकी वजह से किसी की अगर जान बच जाती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं होगा। तो इस खबर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जो है वो आपकी वजह से अवेयर हों, और कृपा करके अगर आप लोग जो है वो देखते हैं कि कहीं एम्बुलेंस जाम में फंसी है तो सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता दें ताकि उसमें जो मरीज है उसकी जान बच सके।